जी बच्चों, आपने पढ़ लिया ईयर के बारे में पढ़ लिया, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी आ गई, तो कान जो है वो अच्छे तरीके से आपने देख लिया, उसको पढ़ लिया, उसके फंक्शन भी देख ले। अब आपका अगला टॉपिक जो है वो है हाउ बॉन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस मूवमेंट। कितना अच्छा है ये, आप वो कह रहे हैं, आप बताएं कि मूवमेंट करने के लिए जो है मसल्स और बॉन्स कैसे इकट्ठे काम करते हैं। ठीक, तो इसका आपको जो क्वेश्चन बनेगा बेटा वो है, यहाँ आइएगा, ये उसको पार्ट भी दिखाएं। हाँ जी, ये एक्सटर्नल मिडल ईयर और इनर ईयर की जो है वो पार्ट, ये वाला भी मौजूद है आपके सामने। अच्छा, अब ये देखें टॉपिक क्या है, वर्क ऑफ बोन्स एंड मसल्स। ये टॉपिक आपका चेंज हो गया, ईयर के बाद आपने मसल्स एंड बोन्स की वर्किंग जो है वो आपने देखनी है। तो अब देखें इसका क्वेश्चन क्या बनता है, हाउ बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बोन्स एंड मसल्स जो हैं वो इकट्ठे कैसे काम करते हैं। ठीक, तो इसका आंसर जो है यहाँ सेपरेटली भी आपके लिए लिखा है मेरा बच्चा, तो देखें द मसल्स आर अटैच्ड, जुड़ी होती हैं टू द बोन्स थ्रू टेंडन्स। टेंडन्स बेटा आपके जोड़ों के दरमियान में एक ऐसी वेन्स होती हैं जो कि वाइट कलर की होती हैं, और वो जब एट द टाइम ऑफ नीड जब हम मूव करते हैं, जब भी मूव करते हैं तो वो अपना काम जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, तो वो टेंडन जो हैं वो फैलते और सुकड़ते हैं। जैसे एक रबड़ होती है ना, ये रबड़ की तरह होते हैं, अगर रबड़ को हम खोलते हैं तो वो एक्सटेंड होती जाती है, ऐसे एक्सपैंड होती जाती है। तो जैसे वो अगर हम उसको छोड़ दें, रिलैक्स मूवमेंट में आ जाएँ, तो वो जो है वो सीधी जो है वो अपने असल हालत में आ जाती है। तो टेंडन्स के साथ जो हैं बोन्स जो हैं वो जुड़ी होती हैं। देयर एज लेगमेंट्स, लेगमेंट्स बेटा टिश्यूज होते हैं अटैच बोन्स टू बोन्स। ठीक है, तो दो वजह हैं इसकी, एक तो होते हैं टेंडन्स और दूसरे होते हैं लेगमेंट्स, जिनकी वजह से हड्डियाँ जो हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं। द मसल्स पुल द बोन्स कॉजिंग मूवमेंट, तो तब जो है पॉसिबल होता है इन दोनों चीज़ों की वजह से। अगर ये दोनों चीज़ें ना हों तो हड्डियों को मूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, बल्कि पॉसिबल ही ना हो। तो ये टेंडन्स और लेगमेंट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये जो है इंसान की हड्डियों को मूवमेंट के लिए मदद करते हैं। तो ये पुल कर सकती हैं, पुल किसी भी चीज़ को धक्का लगा सकते हैं हम, चीज़ों को उठा सकते हैं, हेल्प करती हैं मूवमेंट करने में। ठीक, तो यहाँ आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब देखें व्हाट इज कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या होती है। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को आपने पहले बुक पे भी देखें, आप ये देखें यहाँ आपके पास हाईलाइटेड है ये कि द मसल्स अटैच टू द बोन्स टू द टेंडन्स थ्रू द टेंडन्स वेयर एज लेगमेंट्स अटैच बोन्स टू बोन। ठीक, द मसल पुल द बोन्स कॉजिंग मूवमेंट। ठीक है, मसल्स को पुल करते हैं और ये वजह बनते हैं किसकी, मूवमेंट की। यहाँ ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब देखें व्हाट इज कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या है। कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट जेल लाइक पैडल, सॉरी पैडिंग बिटवीन बोन्स दैट प्रोटेक्ट जॉइंट्स एंड फैसिलिटेट मूवमेंट। ये कह रहा है कि ये कार्टिलेज होती है, ये एक सॉफ्ट सी जेल होती है जो कि मौजूद होती है आपकी बॉडी के अंदर, और एक नरम सी ये चीज़ होती है, और ये बोन्स को हेल्प करती है, एक तो प्रोटेक्ट करती है जॉइंट्स की जो है वो उसकी हिफाजत करती है। जैसे देखिए बेटा आँख के ऊपर भी जो होती है एक झिल्ली होती है, लेयर होती है, वो आँख को प्रोटेक्ट करती है, इसी तरह ये भी एक प्रोटेक्टिंग जेल है जो कि इंसान की हड्डियों को जो है वो प्रोटेक्ट करती है और जॉइंट्स को फैसिलिटेट करती है, यानी कि सहूलत फ्राहम करती है कि वो मूवमेंट कर सकें। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ तक जो है ये आपकी इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर भी दिया गया है, सॉरी ये आपकी इन्फॉर्मेशन में जो है ये यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन का आंसर भी मौजूद है। यहाँ आपके बेटा दो टॉपिक्स क्लियर हुए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इनको आपने ऐसा करना है कि रफ रजिस्टर के ऊपर जो आपने लेके रखा हुआ है, जहाँ पे आप वर्ड्स मीनिंग लिखते हैं उसके ऊपर भी आप ये नोट्स बनाते जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, जब आप स्कूल आएंगे तो इसको थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे और फिर हम एग्ज़ाम्स की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।